प्रणाम भक्तगण, मैं आशुतोष पांडे YouTube के सर्वश्रेष्ठ भक्ति में चैनल भक्ति महिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संसार को चलाने की जिम्मेदारी भगवान शिव जी ने विष्णु जी को दी है, क्योंकि विष्णु जी के पास सुंदरता के साथ साथ तीव्र बुद्धि भी है। विष्णु जी ने स्वयं बताया है कि किस तरह कलयुग का विनाश होगा। विष्णु जी के अनुसार जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो तीनों यानी स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे। सबसे पहले प्रलय शुरू होगा पानी से, और फिर अग्नि से, उसके बाद वायु से, और अंत में पृथ्वी से। इस तरह से इस युग का अंत होगा और नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ सत्य होगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या लक्षण हैं उस घोर कलयुग के जिसके बाद विनाश होगा। भगवान विष्णु ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्रियों का श्रृंगार कहा जाता है, कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। उसके बाद शुरू होगा बालों का रंगना। सभी स्त्री तथा पुरुष अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई पड़ेंगे। पुरुषों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से फैलेगी। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कलयुग चरम सीमा पर है। हर घर में क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पत्नी पति से झूठ बोलेगी तथा पुत्र पिता से। सत्य के आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी। हर जगह झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने घर के लोग तथा रिश्तेदार उनकी इज्जत पर हाथ डालेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई भी रिश्ते नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। न पत्नी पति की इज्जत करेगी और न पति पत्नी की। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। पति पत्नी अपने रिश्ते झट से तोड़ देंगे, जिसे आजकल तलाक के नाम से जाना जाता है। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु अच्छी तथा सुलभ होती थी, लेकिन कलयुग के आधे में आते ही व्यक्ति की उम्र 30 या 40 साल से ज्यादा नहीं होगी, तथा घोर कलयुग के आते ही व्यक्ति 15 से 20 साल भी मुश्किल से जी पाएगा। कलयुग में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा तथा व्यक्ति की मौत बहुत ही बुरी और पीड़ादायक होगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे का खून कर, ठग कर तथा डरा कर पैसे कमाएंगे। कोई किसी का हक छीनेगा तो कोई पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। लोग अपनों से ही गद्दारी करेंगे। कलयुग में ना कोई कानून होगा ना कोई व्यवस्था। कोई भी कानून से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। देश में चारों ओर अकाल और भुखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे। ऐसा होगा जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जब 7 वर्ष की कन्या माँ बनेगी और बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि घोर कलयुग आ चुका है भक्तों, और अब कुछ ही समय में कलयुग का अंत होने वाला है। भक्तों, विष्णु जी ने घोर कलयुग के जो जो लक्षण बताए हैं वो आजकल हमारे सामने आसपास देखने को मिलते हैं। तो भक्तों, इस समय अगर अपने ऊपर कलयुग को हावी होने से बचाना है तो हमें परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी से वाला वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो पर लाइक करें तथा इस पर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे भक्ति में चैनल भक्ति महिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार कुछ और रोचक विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।